Good evening everyone, this is Simarpreet Singh Garoda and today I will be covering class 12th 4th chapter, The Rat Trap. Now this chapter that we are going to study today, The Rat Trap, is written by Selma Lagerlöf. This chapter offers a unique idea that the entire world around us is nothing but a big rat trap. जो पूरा का पूरा वर्ल्ड हमारे आसपास है वो कुछ भी नहीं है, एक बड़ा सा रैट ट्रैप है. एंड दिस इंटायर वर्ल्ड विच इज अ बिग रैट ट्रैप, इट ऑफर्स अस वेरियस बेट्स एंड इफ वी टेक दोस बेट्स, अगर हम लोग उन बेट्स को ले लेते हैं, देन व्हाट हैपेंस इज वी लीड टू वेरियस टाइप्स ऑफ मिजरीज. वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर, आई विल कम अगेन टू द थीम ऑफ दिस चैप्टर. लेट्स स्टार्ट नाउ. By looking at this about the author, Selma Lagerlöf, 1858 to 1940 was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. A universal theme runs through all of them, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. This story is set amidst the mines of Sweden, rich in iron ore, which figure large in the history and legends of that country. The story is told somewhat in a manner of a fairy tale. Now you look at this. ये chapter basically हमारे को state क्या कर रहा है? इस chapter का नाम क्या है? इस chapter का नाम The Rat Trap है. अब अगर आप Rat Trap देखो तो आपके सामने बना भी हुआ है. मैंने YouTube के thumbnail के अंदर भी एक Rat Trap की photo डाली है. Rat Trap basically होता क्या है? घर पे in the house whenever you have a mouse or a rat, what you do is you set up a rat trap. और उस rat trap के अंदर आप क्या करते हो? आप एक bait set कर देते हो. एक बेट लगा देते हो. बेट किस चीज में फॉर्म में होती है? बेट इज इन द फॉर्म ऑफ अ चपाती और चीज. एंड द रैट और द माउस, जब वो उस बेट को देखता है, उस बेट की तरफ अट्रैक्ट होता है. एंड जैसे ही वो उस रैट ट्रैप के अंदर एंटर होता है, वैसे ही रैट ट्रैप का डोर क्लोज हो जाता है, वो उसी के अंदर इनक्लोज रह जाते हैं. वैसे ही जो यहाँ पे ऑथर आइडिया कन्वे करना चाहते हैं वो क्या है? दैट द होल वर्ल्ड अराउंड अस इज जस्ट अ बिग रैट ट्रैप. पूरा का पूरा वर्ल्ड जो हमारे आसपास है वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक बड़ा सा रैट ट्रैप है. एंड इस रैट ट्रैप के अंदर आपके सामने बहुत सारी बेट्स आती है. आपकी जॉब लगती है. आपकी जॉब पहले मान लो 1 लाख रुपीज की लगती है. यू डिसाइड कि आपने कुछ टाइम बाद एक 2-व्हीलर खरीदना. आपकी जॉब की सैलरी ओवर द इयर्स बढ़नी शुरू होती है. आपके सामने एक और बेट आती है. आपके सामने बेट क्या आती है कि आप एक कार खरीद सकते हो. यू कैन बाय अ 4-व्हीलर. आपकी सैलरी और अच्छी होती है ओवर द इयर्स. यू डिसाइड दैट यू हैव टू परचेज अ न्यू हाउस एंड सो ऑन. ईयर बाय ईयर वो चीज चलती रहती है. ना होता क्या है कि आप इन चीजों को खरीदते कैसे हो? लोन्स के ऊपर, इंस्टॉलमेंट्स पे, ईएमआईस के ऊपर. द बेट दैट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू इज लाइक द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ. जो बेट ह्यूमंस के सामने प्रेजेंट करी जाती है वो क्या होती है? वो कंफर्ट ऑफ लाइफ होती है. एंड ये जो कंफर्ट ऑफ लाइफ होती है, इस चीज को लेने के लिए काफी सारे लोग जो होते हैं वो मिजरीज की तरफ चले जाते हैं. लोन्स रीपे ऑफ नहीं हो पाते, एसेट्स आपके हाथों से चली जाती है, कार वगैरह बैंक्स वगैरह वापस ले जाते हैं. सो वॉट ऑल दिस, ये सारी की सारी चीजें जो हैं इस चैप्टर रैट ट्रैप के थ्रू कन्वे करी जा रही हैं कि जितने भी हमारे कंफर्ट्स ऑफ लाइफ हैं वो बेसिकली कुछ भी नहीं है, वो हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ बेट्स की तरह हैं. और अगर हम ह्यूमन इन बेट्स को ले लेते हैं, देन इट लीड्स टू मिजरीज ऑफ लाइफ. दिस इज व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू कन्वे थ्रू दिस चैप्टर द रैट ट्रैप. लेट्स स्टार्ट नाउ. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप. एक टाइम पर एक आदमी था जो रैट ट्रैप्स वगैरह सेल करता था ऑफ वायर. ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स. उन रैट ट्रैप्स को वो खुद बनाता था ऑड मोमेंट्स के ऊपर. फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स. वो इन रैट ट्रैप्स को बनाता कैसे था? ही यूज्ड टू मेक दीज रैट ट्रैप्स एट ऑड मोमेंट्स यूजिंग द मटेरियल्स दैट ही यूज्ड टू गेट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स. बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. जो ये बिजनेस कर रहा था रैट ट्रैप्स का, ये उसके लिए इतना प्रॉफिटेबल नहीं था. सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थ्योरी. बिकॉज रैट ट्रैप्स बेच बेच कर उसके पास प्रॉपर पैसे नहीं आ पा रहे थे, तो वो साथ में क्या करता था? ही रिजॉर्टेड, ही हैड टू गो टूवर्ड्स बेगिंग एंड पेटी थ्योरी. पेटी थ्योरी छोटी मोटी चोरी करना. टू कीप बॉडी एंड सोल टूगेदर. Even so, his clothes were in rags. Clothes were in rags का मतलब क्या? He was wearing shabby clothes, dirty clothes, torn clothes. His cheeks were sunken. Now ये जो line आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है, his cheeks were sunken, ये basically क्या show कर रहा है? That the protagonist of the story, the main character of the story, is suffering from malnutrition. उसके पास proper खाना वगैरह नहीं है, इसीलिए वो किस चीज से suffer कर रहा है? वो malnutrition से suffer कर रहा है. And hunger gleamed in his eyes. And उसकी eyes के अंदर आपको hunger देखने को मिलती है. You can clearly see that the man has not eaten, and that is why you can see the hunger inside his eyes. Now,
No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left to his own meditations. कह रहे हैं कोई भी पर्सन इमेजिन नहीं कर सकता कि लाइफ कितनी सैड हो सकती है, कितनी मोनोटोनस हो सकती है. मोनोटोनस मीन्स अ सिंगल कैरेक्टर ऑफ लाइफ. आप हर बार सेम रूटीन को जी रहे हो, डे बाय डे आपका वही रूटीन चलता हुआ जा रहा है. सो कह रहे हैं कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कितनी सैड और मोनोटोनस लाइफ हो सकती है एक वैगाबॉन्ड के लिए. हु इज अ वैगाबॉन्ड? अ वैगाबॉन्ड इज अ पर्सन हु डज नॉट हैव हिज ओन शेल्टर, हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस जस्ट लाइक अ नोमैड. एक नोमैड की तरह वो एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करता रहता है. Who plods along the road left to his own meditations, कोई भी नहीं है. He is absolutely lonely, he is absolutely solitary, और वो अकेला एक जगह से दूसरी जगह move on करता रहता. But one day this man had fallen into a line of thought. एक बार जो हमारे जो main story का character है, जो protagonist है, उसके दिमाग में एक line of thought आता है. But one day the man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining, जो उसके लिए बहुत entertaining होता है. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. एक बारी person जब अपने rat traps के बारे में सोच रहा था, उसके दिमाग में एक अजीब सा line of thought आता है कि जितना भी world उसके आसपास है, the entire world around him, including its lands, its seas, its villages and cities, was nothing but a big rat trap. ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक बहुत बड़ा rat trap. It had never existed for any other purpose. ये जो world हमारे आसपास है, एक सिर्फ किसी और purpose के लिए exist नहीं करता. But it was nothing. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. जो world हमारे आसपास है, वो किसी और चीज के लिए setup नहीं करा गया है. वो सिर्फ इसी चीज के लिए setup किया गया है कि वो आपको baits offer कर सके, आपको चारे offer कर सके, आपको comforts of life offer कर सके. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as someone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. मैं यही चीज आपसे चैप्टर की स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहा था कि जैसे एक घर पे एक रैट होता है या माउस होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए एक रैट ट्रैप रखते हैं. रैट ट्रैप के अंदर हम लोग चीज, चपाती, पोर्क वगैरह किसी भी ऐसी चीज को वहां पे रखते हैं. एंड एज सून एज रैट उस बेट को लेता है, उस कम्फर्ट ऑफ लाइफ को लेता है, उस चीज को वहां पर देखता है, जैसे ही वहां पे एंटर करता है, वैसे ही वो रैट ट्रैप क्लोज हो जाता है. एंड वही चीज ह्यूमंस के साथ में. हम ह्यूमंस टेम्प्ट होते हैं कंफर्ट्स ऑफ लाइफ को देखकर, मटेरियलिस्टिक चीजों को देखकर. जो भी चीजें आप पैसे से खरीद सकते हो, दोस आर मटेरियलिस्टिक थिंग्स. एंड वी ह्यूमंस लेट आवरसेल्व्स बी टेम्प्टेड बाय दोस मटेरियलिस्टिक थिंग्स. एज सून एज हम उस रेस के अंदर लग जाते हैं, इसका हमारे पास सिचुएशन क्या आता है, इसका हमारे पास इफेक्ट क्या आता है. एज सून एज वी लेट आवरसेल्व्स गेट टेम्प्टेड बाय दीज कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, वी गेट इन अ बिग रैट ट्रैप. And the world closes in upon us. The world had, of course, never been very kind to him. जो world उसके आसपास का था, कभी वो rat trap vendor के लिए इतना kind नहीं हुआ होता. So it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. तो जब वो सोच रहा होता है world के बारे में कि world को बनाया ही इस चीज के लिए गया है कि ये बहुत बड़ा rat trap है, baits offer करने के लिए बनाया गया है, तो उसको ये चीज काफी अच्छी लग रही होती है. अपने आप को वो इस चीज से pacify कर रहा होता है. It became a cherished pastime of his. उसके लिए बहुत ही cherished pastime बन जाता है, बहुत ही joyous pastime बन जाता है. During many dreary ploddings, to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling about the bait. तो वो सोचता है उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपने आप को tempt कर लिया है इस bait के through, and उन लोगों के बारे में जो आज भी उस bait के आसपास move कर रहे हैं, people who are still moving around those baits. One dark evening as he was trudging, trudging means walking. Trudging का मतलब क्या होता है, moving या walking. ये meanings आप लोग please साथ साथ अपनी book में note करते रहो. So one dark evening as he was trudging, as he was walking, as he was moving along the road, he caught sight of a little grey cottage. उसके सामने छोटा सा grey cottage आता है by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. और वो क्या करता है, door के ऊपर knock करता है ताकि रात के लिए उसे कोई shelter मिल जाए. Nor was he refused. Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get to someone to talk to in his loneliness.
नाउ यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जब वो पर्सन वॉक कर रहा होता है, ट्रेड कर रहा होता है अलॉन्ग द रोड, तो उसको छोटा सा कॉटेज नजर आता है। वो कॉटेज के ऊपर नॉक करता है। नॉर्मली आप देखो, अगर किसी पर्सन के घर पे कोई ऐसा वेंडर आ जाए, कोई वैगाबॉन्ड आ जाए, तो आप उनको बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करते हो। लेकिन यहाँ पर जब वो नॉक करता है, तो एक ओल्ड मैन बाहर आता है, एंड द ओल्ड मैन वॉज मोर देन हैप्पी टू अलाउ द स्ट्रेंजर टू गेट इन द हाउस। जो ओल्ड मैन होता है, वो मोर देन हैप्पी होता है स्ट्रेंजर को घर में लेके जाने के लिए। यूजुअली जब ये रैट ट्रैप वेंडर, ये वैगाबॉन्ड लोगों के घर पे नॉक करता है, तो उसके सामने क्या ग्रीटिंग के अंदर मिलता है, ही इज ग्रीटेड बाय सार फेसेस। सार फेसेस का मतलब क्या होता है, कुछ लोग ढंग से बात नहीं करते हैं, कुछ लोग उसको एब्यूज कर देते हैं, लेकिन ये ओल्ड मैन अलग होता है। ये ओल्ड मैन उसको अलाउ करता है अपने घर के अंदर घुसना। व्हाई वाज दिस सो? बिकॉज द ओल्ड मैन नीदर हैड एनी वाइफ नॉर चाइल्ड। ना उसकी कोई वाइफ होती है, ना उसे कोई चाइल्ड होता है, सो ही वॉज हैप्पी टू गेट टू समवन टू टॉक। उससे अच्छा था कोई पर्सन वहां पर आया है जिससे वो बात कर सके, अपनी लोनलीनेस को खत्म कर सके। इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर। इमीडिएटली वो क्या करता है, जो पॉरेज पॉट होता है, पॉरेज जिस काइंड ऑफ अ दलिया, उसको वो फायर के ऊपर रखता है गर्म करने के लिए, एंड गेव हिम सपर, एंड उसे खाना खिलाता है। देन ही कार्व्ड सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल दैट वाज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन। तो सबसे पहले जो ओल्ड मैन होता है, वो कैसे ग्रीट करता है स्ट्रेंजर को, वैगाबॉन्ड को। ओल्ड मैन इंस्टेड ऑफ फेयरिंग अ सार फेस, बहुत अच्छे से उसको ट्रीट करता है, ग्रीट करता है, उसे घर के अंदर बुलाता है। पॉरेज को वो हॉट फायर पे रखता है कि वो गर्म हो जाए, एंड उसे सफर की तरह, डिनर की तरह उस चीज को ऑफर करता है। उसके बाद वो अपने टोबैको रोल की एक बहुत बड़ी स्लाइस निकालता है, जो उसके लिए भी और स्ट्रेंजर के लिए भी मोर देन सफिशियंट होती है। Then he carved us a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. उस वैगाबॉन्ड की, उस स्ट्रेंजर की पाइप के लिए भी वो टोबैको काफी होता है, उस ओल्ड मैन के लिए। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मेजोलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। फाइनली वो क्या करता है, अपने पैक ऑफ कार्ड्स को निकालते हैं, एंड स्ट्रेंजर के सारे मेजोलिस के लिए जब तक बेड टाइम नहीं हो जाता। The old man was just as generous. Generous means kind. The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. Old man जो होता है काफी confident होता है, काफी kind होता है, अच्छे से उसको porridge भी offer करते हैं, tobacco भी offer करते हैं। The guest was informed at once that in the days of prosperity the host had been a crofter at Ramsjo Iron Works and had worked on the land. अब जो ये गेस्ट यहाँ पर आया होता है, जो स्ट्रेंजर यहाँ पर आया होता है, ये वैगाबॉन्ड यहाँ पर आया होता है, इसे ओल्ड मैन बताता है कि एक बार मैं रामस्टो आयरन वर्क्स के अंदर काम करता था एज अ क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर इज अ पर्सन हु वर्क्स अपॉन अ फार्म और अ फैक्ट्री। क्रॉफ्टर एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी का फार्म या फैक्ट्री के ऊपर काम करता है। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू लेबर, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। अब बिकॉज वो लेबर नहीं कर सकता हो इतनी ओल्ड एज के अंदर, तो उसकी काउ जो होती है वो उसको सपोर्ट कर रही होती है। Yes, that bossy was extraordinary. Yes, जो वो काउ होती है, जो बॉसी होती है, काफी एक्स्ट्रॉर्डनरी सी होती है। यहाँ पे बॉसी वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, काउ के लिए यूज किया गया। Yes, that bossy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day. वो क्रीमरी के लिए हर रोज मिल्क दे सकती थी। And last month he had received all of 30 क्रोनर्स इन पेमेंट। And last month उस काउ का मिल्क बेचकर उस ओल्ड मैन के पास कितने पैसे आ गए होते हैं, 30 क्रोनर्स आ चुके। The stranger must have seemed incredulous. जो स्ट्रेंजर होता है वो इस चीज को थोड़ा सा इनक्रेडुलस सा हो जाता है। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, बिकॉज ओल्ड मैन खड़ा होता है और विंडो की तरफ जाता है। टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ नेल इन द विंडो फ्रेम एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल 10 क्रोनर बिल्स। अब वो क्या होता है, वो स्ट्रेंजर जो होता है इस चीज को थोड़ा सा इनक्रेडुलस सा, थोड़ा स्टार्टल्ड सा हो जाता है। ओल्ड मैन खड़ा होता है, विंडो की तरफ जाता है, वहां से एक लेदर पाउच नीचे उतारता है जो नेल के ऊपर टंगा होता है विंडो फ्रेम में, एंड उसमें से 3 रिंकल 10 क्रोनर के बिल्स निकालता है, नोट्स निकालता है। सो द ओल्ड मैन गेट्स अप, गोज टूवर्ड्स द विंडो पेन, टेक्स आउट लेदर पाउच आउट ऑफ इट, एंड उस लेदर पाउच के अंदर क्या निकलते हैं, 3 निकलते हैं 10 क्रोनर के रिंकल्ड बिल्स। These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly. ये वो अपने गेस्ट के सामने रखता है, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. उसको दिखाता है कि ये देखो मेरे पास ये है, nodding करता है कि you can see that there are 3 10 क्रोनर बिल्स, एंड उसके बाद दोबारा उसको लेदर पाउच के अंदर डाल देता है। The next day both men got up in a very good season. Next day दोनों के दोनों आदमी जो होते हैं बहुत ही अच्छी सीजन में, बहुत ही गुड मूड के अंदर उठते हैं। The crofter was in a hurry to milk his cow. जो crofter होता है, जो person farm पे काम कर रहा होता है, वो काफी जल्दी में होता है अपनी काउ को मिल्क करने के लिए।
The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought that he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. And जो stranger होता है, जो vagabond होता है, वो इस बात को सोचा था कि अगर head of the family ही उठ चुका है, जो मेरा host of the family है, जो old man अगर वही उठ चुका है, तो मुझे भी अब उठ जाना चाहिए यहाँ से. So the crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought that he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. They left the cottage at the same time वो लोग cottage को छोड़कर वहाँ से निकलते हैं. The man with the rat trap said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. तो बेटा crofter जो होता है वो दरवाजे को बंद कर देता है, key को अपनी pocket में रख लेता है, and जो man rat traps वाला होता है, जो rat trap vendor होता है, जो vagabond होता है, वो उसे goodbye and thank you बोलता है, and thereupon दोनों के दोनों अपने रास्ते वहाँ से चले जाते हैं. Old man अपने रास्ते चला जाता है, and जो vagabond होता है वो अपने रास्ते चला जाता है. But half an hour later, the rat trap peddler stood again before the door. लेकिन आधे घंटे बाद जो rat trap peddler होता है, वो दोबारा दरवाजे के सामने आता है. He had not tried to get in. However, he only went up to the window, smashed a pane, stuck his hand and got hold of the pouch with the 30 kronos. अब होता क्या है? वो दरवाजे के अंदर घुसने की कोशिश नहीं करता. वो सिर्फ अपने हैंड्स जो विंडो पेन होती है, उसको पंच करता है, स्मैश करता है, उसके अंदर से उस लेदर पाउच को निकाल लेता है, जो विंडो पेन के साथ में लगा होता है. एंड उस पाउच को वहां से निकाल के उसमें जो 10 क्रोनोर के तीन बिल्स होते हैं, 30 क्रोनोर रुपीज होते हैं, उसको वो बाहर निकाल लेता. He had not tried to get in. However, he only went up to the window, smashed a pane, stuck his hand and got hold of the pouch with the 30 क्रोनोर. He took the money and thrust it into his own pocket. वो उस पैसे को लेता है, उसको अपनी पॉकेट के अंदर रख लेता. Then he hung leather pouch very carefully back in his place and went away. फिर वो उस leather pouch को बहुत ही carefully दोबारा टांग देता है और अपने रास्ते वहां से चला जाता है. Now, as he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जब वो पैसे को लेकर जा रहा होता है अपनी पॉकेट के अंदर, तो काफी pleased होता है अपनी स्मार्टनेस से. देखो मैं कितना तेज हूं, मैं गया है, मैंने फटाफट जाके उसमें से पैसे निकाल लिए. He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway. उसको ये बात realize होती है कि उसको public highway में तो कम से कम इस time पे नहीं जाना चाहिए, because वो already चोरी कर चुका होता है. But must turn off the road into the woods. इस वजह से उसको road पर नहीं चलना चाहिए, बल्कि wood में चले जाना चाहिए. Woods का मतलब यहाँ पे क्या है? That he should go into the forest. He should take the path of the forest. During the first hours, this caused him no difficulty. Starting कुछ घंटों में से कोई difficulty वगैरह नहीं होती, वो बहुत आराम से woods से travel कर रहा होता है. Later in the day, it became worse. दिन के बाद में ये चीज जो होती है वो खराब होनी शुरू हो जाती है. For it was a big and confusing forest which he had gotten into. Because ये बहुत ही बड़ा और confusing forest होता है जिसके अंदर वो जा चुका होता है. He tried to be sure to walk in a different direction. वो try करते हैं कि एक ही direction के अंदर मैं चलता जाऊं. But the paths twisted back and forth so strangely, he walked and walked without coming to the end of the wood. तो होता क्या है कि because उसने चोरी करी होती है, तो वो decide करता है कि highway पे जाना तो बिल्कुल भी safe नहीं है. So what he should do is, he should take the woods road, he should take the forest road. जब वो वहां पे जाता है, तो दिन के अंदर starting घंटों में कोई problem नहीं होती है. वो बहुत आराम से वहां से चलता हुआ जाता है. लेकिन जब दिन खत्म होना शुरू होता है, इवनिंग होती है, नाइट होती है, तो कंडीशन होती है और वर्स होती जाती है. उसे डिसाइड किया होता है कि वह डेफिनेट पाथ पर चलेगा, लेकिन वुड्स में जाने के बाद वो गुम जाता है, बिकॉज पाथ ट्विस्टेड होते हैं. Finally, he realized that he had been walking around in the same part of the forest. और उसके बाद रियलाइज होती है कि वो सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट के अंदर बार बार घूम ही जा रहा है. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. And दोबारा उसके दिमाग में वो आइडिया क्या आता है कि जो वर्ल्ड उसके आसपास है वो क्या है? It is nothing but a big rat trap. Now his own turn had become. He had let himself be fooled by a bait and had been caught. The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison. Impenetrable का मतलब क्या होता है? A prison which cannot be penetrated, a prison from which you cannot escape. जिसे penetrate नहीं किया जा सकता, जिसमें से आप बाहर नहीं निकल सकते. तो अब क्या होता है, जब वो फॉरेस्ट के अंदर गुम जाता है, तब उसके दिमाग में ये आइडिया आता है, ये थॉट आता है कि इस बार उसकी टर्न. वर्ल्ड उसके आसपास है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है. एंड नाउ इट इज हिज टर्न बिकॉज ही हैज टेकन द बेट. उसने उन 10 क्रोनोर के तीन बिल्स की बेट ली होती है, एंड अब वो एक ऐसे इम्पेनेट्रेबल प्रिजन में होता है जहां से वो बाहर नहीं निकल सकता, फ्रॉम विच ही कैन नॉट एस्केप. आई होप यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी.
ठीक है। नाउ इट वॉज लेट इन डिसेंबर, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। टाइम किस टाइम पीरियड का होता है? डिसेंबर की लेट टाइम चल रहा होता है, उस टाइम पे डार्कनेस ऑलरेडी पूरे फॉरेस्ट के ऊपर डिसेंड कर रही होती है। दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर। तो बेटा होता क्या है, डार्कनेस के टाइम पे फॉरेस्ट में उसका एक तो डेंजर भी इंक्रीज हो रहा होता है, एंड साथ में जो उसकी ग्लूम एंड डिस्पेयर है, ग्लूम एंड डिस्पेयर का मतलब क्या है, सैडनेस, जो उसकी सैडनेस होती है ये भी इंक्रीज हो रही है। फाइनली ही सॉ नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड। फाइनली उसे कोई और रास्ता बाहर नहीं मिलता और वो क्या करता है, ग्राउंड के ऊपर ही लेट जाता है, टायर्ड टू डेथ, थिंकिंग अबाउट दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। एंड बिकॉज वो थक के इतना परेशान हो चुका होता है कि वो फाइनली क्या डिसाइड करता है कि वहीं पर ही बैठ जाता है। ही सिट्स डाउन देयर एट सेल्फ, टायर्ड टू डेथ, थिंकिंग अबाउट दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। और वो इसी चीज के बारे में सोच रहा होता है कि उसकी जो आखिरी मोमेंट है अब वो आ चुकी है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही वो अपना सर ग्राउंड के ऊपर रखता है, ही हर्ड अ साउंड, उसके कानों में एक साउंड आती है, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, बहुत जोर से कोई बंदा किसी चीज को मार रहा होता है, थम्प कर रहा होता है। देर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, ही रेज्ड हिमसेल्फ, दोज आर हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, ही थॉट, देर मस्ट बी पीपल नियर बाय, ही समंड ऑल हिज स्ट्रेंथ। जैसे ही उसको ये थंपिंग की आवाज आती है तो उसे समझ आ जाता है कि नो डाउट मैं इस टाइम पे कहाँ हूँ, मैं रामस्टो आयरन वर्क्स के पास हूँ। दोज आर हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, ये हैमर स्ट्रोक्स हैं एक आयरन मिल के पास, ही थॉट, देयर मस्ट पीपल नियर बाय, आसपास लोगों का होना यहाँ पे जरूरी है। ही समंड ऑल हिज स्ट्रेंथ, जितनी भी स्ट्रेंथ उसके पास बची थी उन सबको गैदर अप करता है, समन करता है, गॉट अप एंड स्टैगर्ड। स्टैगर्ड का मतलब फिर से यहाँ पे क्या है, स्टैगर्ड मीन्स मूव्ड। So he summoned all his strength, he gathered all his strength, got up and moved in the direction of the sound, जहां से वो साउंड आ रही होती है उसकी तरफ ये मूव इन करना शुरू कर देता। तो बेटा हम लोगों ने अभी तक क्या करा है, हम लोगों ने एक चैप्टर शुरू करा आज द रैट ट्रैप, जिसको लिखा किसने है, सेल्मा लगेरलॉफ ने लिखा है। एंड बेसिकली मैंने इस चैप्टर में तक आपके साथ क्या डिस्कस करा है, दैट द वर्ल्ड अराउंड अस इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, जो हमारे को कंफर्ट्स ऑफ लाइफ ऑफर करता है। और अगर हम उन कंफर्ट्स ऑफ लाइफ को ले लेते हैं तो उसका आगे से इफेक्ट क्या होता है, द वर्ल्ड स्टार्ट्स क्लोजिंग इन अपॉन अस, मिजरीज आनी शुरू हो जाती है। हमारे चैप्टर केस में जो हमारा प्रोटैगनिस्ट होता है, जो रैट ट्रैप पेंडर है, जो वैगाबॉन्ड है, जो नोमैड है, वो पर्सन जो होता है एक जगह दूसरी जगह रैट ट्रैप्स बेचता है, लेकिन बिकॉज रैट ट्रैप्स बेच के पैसे वो पूरे नहीं कर पाता, इसलिए वो थीवरी साथ में करता है, वो चोरी साथ में करता है, एंड वॉट ही डज इज वो बेगिंग साथ में। एक बार क्या होता है कि वो एक ओल्ड मैन के कॉटेज के बाहर निकलता है, वो उस पर नॉक करता है, यूजुअली बहुत ही सार फेसेस को ग्रीट करता है, लेकिन ओल्ड मैन बहुत अच्छा होता है, कोई वाइफ या चाइल्ड नहीं होता, सो ही इज रेडी टू टॉक टू समवन बिकॉज ऑफ हिज लोनलीनेस। वो अच्छे उसको सपर ऑफर करता है, टोबैको ऑफर करता है, और उसको लास्ट में बताता है कि उसके पास 10 क्रोनॉर्स के 3 नोट्स, टोटल 30 क्रोनॉर्स उसके पास हैं, जो उसके पास कैसे आए हैं, अपने काउ के मिल्क को बेचकर। टाटरा पेंडर उसी के साथ सुबह वहां से निकल जाता है, बट ही कम्स बैक एंड वापस आकर वो क्या करता है, उन 10 क्रोनॉर के 3 बिल्स को चुरा लेता है, उनकी चोरी कर लेता है। आफ्टर दिस वो वुड्स की तरफ जाता है, फॉरेस्ट की तरफ जाता है, बिकॉज उसको पता होता है कि रोड पे जाना इस टाइम पे सेफ नहीं है, एंड व्हेन ही गोज देयर इज वो अपना रास्ता भूल जाता है, एंड उसके दिमाग में दोबारा वो स्टार्टिंग का थॉट आता है, दैट द वर्ल्ड अराउंड हिम इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। वर्ल्ड उसके आसपास कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है, और इस बार उसकी बारी आई है, उसने इस बेट को ले लिया है। एंड आफ्टर दिस जब वो टायर्ड टू डेथ होकर ग्राउंड पे लेट जाता है, तब उसको जोर से थंपिंग की आवाज आती है, अपनी सारी स्ट्रेंथ को वो गैदर अप करता है, उसको लगता है कि अब उसके पास में क्या है, रामस्टो आयरन बॉक्स है। यहां तक हम लोगों ने इस चैप्टर को कवर किया है, आई एम होपिंग दैट यहां तक सबको सारी चीजें एब्सोल्युटली क्लियर होंगी। थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट इन द क्लास। अगर आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगती है, प्लीज लाइक, लीव वैल्यूएबल कमेंट्स, बिकॉज योर कमेंट्स आर अ ह्यूज मोटिवेशन बूस्टर फॉर मी। आई विल बी कवरिंग दिस चैप्टर इंटायरली इन द लाइव क्लास, मैं इसके 1 या 2 पार्ट्स और बनाऊंगा, इस चैप्टर को पूरे का पूरा खत्म कर दूंगा। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगती है, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड लीव वैल्यूएबल कमेंट्स। थैंक यू फॉर बीइंग सच अ पेशेंट ऑडियंस। Thank you everyone. Bye bye.